जोहार इन सीता माझी राव क्लाउडिस एन इन सानी ब्लग रे जेते हो सेगुनदाराम हेल दोस्तों वेलकम टू सानी ब्लग और तो नो विंटर स्टार्ट तो अब जहाँ इनडोर प्लान जहाँ तीन मे सो सभी इनडोर प्लान में हमें कुछ काम करना है और विंटर से पहले वो सब काम करना है। सो क्या करना है मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। सो आज मैं सिर्फ कैलेंथिया प्लान को सिर्फ उसी के ऊपर है तो कैलेंथिया जहाँ तीन अतन कलेक्शन में ना सो उनको करेगी जितने तो फर्टिलाइजर एडा में ना और क्लीनिंग आ में ना। सो अभी आप विंटर में विंटर से पहले आप ये सब कर ले तो आपके प्लांट बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा। सो विंटर से पहले आपको ये सब करना है जो कि मैं धीरे धीरे करके करूँगी और विंटर भी आबो चिका आबन। सो रेयर दिन बाहा को रोहे आबन सो टाइम बाय बो हुआ तो ना लगे नुकू को दारे को नेग्लेक्ट आको। सो ये प्लांट सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि विंटर में इतने सारे काम रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही काम रहता है। सो मेरे पास बहुत सारे कैलेंथिया है जो कि सबके नाम मुझे पता नहीं है पर सभी को अभी कुछ ना कुछ काम करना है वरना ये लास्ट में नेग्लेक्ट से हो जाएंगे तो प्लांट मेरा खराब ही हो जाएगा। जैसे कि ये वाला देखिए इसकी सोयल इतनी ड्राई हो चुकी है कि मैं भूल ही गई थी इसको पानी देना। पूरा ड्राई है इसको पानी देना है इसकी क्लीनिंग करना है और अभी इसको थोड़ा सा फर्टिलाइजर तो ज़रूर देना है। आपको विंटर से पहले थोड़ा सा फर्टिलाइजर आप इनको दीजिए जिससे ये प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। और अभी इनका ग्रोथ का टाइम नहीं है क्योंकि ग्रोथ का टाइम इनका ख़त्म हो गया जो कि ग्रोथ का टाइम इनका मॉनसून रहता है। सो मॉनसून ने इनको ग्रोथ अड़ी बेस हुई सो बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं। सो अभी मॉनसून ख़त्म हो रहा है फिर भी तो मॉनसून में हम खाद इनको एड दे नहीं सकते तो इसलिए मैं मॉनसून में नहीं देती हूँ ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं इनको विंटर या तो समर में खाद दे देती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। सो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है जो इनको ज़्यादा ना खाद चाहिए ना ज़्यादा केयर चाहिए। सिर्फ आपको बीच बीच में इनकी क्लीनिंग करना है और लोकेशन अच्छे रखें तो बहुत अच्छा होता है। और देखिए ये सब इसके लिप सब थोड़ा सा खराब हो रहे हैं सो इनको को क्लीनिंग तो हुई हुआ सो मैं इनकी जो भी खराब लिप्स है इनको कट करूँगी और थोड़ा सा फर्टिलाइजर इनको दूँगी। और ये वाली वैरायटी देखिए ये वाली वैरायटी बहुत यानी कि स्लो ग्रोइंग है बहुत धीरे धीरे करके ग्रो करता है और ये हैंगिंग प्लांटर में बहुत अच्छा हैंगिंग प्लांटर में बहुत अच्छा रहता है। सो फिर भी मेरे पास है ये वन ईयर के ऊपर हो चुका है जो कि है पर इसकी सोयल मिक्स मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई हूँ इसलिए इसका यानी कि ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है तो इसके लिए मुझे शायद सोयल मिक्स कुछ अलग बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली वैरायटी देखी ये वाली इसकी ही बेबी प्लांट है जो कि इतनी छोटी थी फिर भी इतनी अच्छी ग्रोथ ले ली है कि देखिए कितना खूबसूरत और प्लांट का साइज़ देखिए और लिप्स सब देखिए इसके बहुत अच्छे हैं। सो लिप्स के ऊपर मैं कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बाहर रहते हैं तो बाहर में तो डस्ट गिरता ही रहता है पर ये ओपन रह मेरे यानी कि प्लांट मेरा ओपन ही रहता। सो इसकी आप अगर सॉयल मिक्स देखना चाहते हैं मैंने कैसे बनाए तो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है आप देख सकते हैं। और इसको रिपोर्ट करने के बाद मैंने अभी तक कुछ खाद दी नहीं हूँ फिर भी देखिए इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। देखिए ये यहाँ से एक लिप्स यहाँ से यानी कि हर जगह से ये घना होता जा रहा है और देखिए बहुत छोटे से पॉट में है और इसका प्लांट का साइज़ धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। और ये वाली भी देखिए इसकी मदर प्लांट जो कि अब इसकी लिप्स भी थोड़ा सा टॉल हो रहे हैं और बहुत अच्छे हैं और ग्रोथ इनकी अभी रुकी नहीं है क्योंकि इनके लोकेशन भी बहुत अच्छा है। और ये वाली वैरायटी देखिए ये तो ज़्यादा ही टॉल सी हो रही है फिर भी बहुत अच्छा है धीरे धीरे करके इसके भी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं की हूँ ये ऐसे ही है। और ये वाली वैरायटी देखिए इसकी साइज सीड वीड कुछ गिरता होगा फ्लावरिंग तो होता है तो सीड यहाँ वहाँ गिरता है तो इसके लिए बहुत सारे प्लांट मैंने बनाए हूँ। तो देखिए पर इनमें देखिए ये छोटे छोटे छेद जो कि मुझे पता नहीं या तो कीड़े की वजह से या क्या हो रहा है। सो चिड़े तीजू को जो मैं को नुआ इन ठीक बन दड़ाएकना और निकल के मैं ना सो नुकू सकाम दो बन गिर सो इनके लिप्स में कट नहीं करूँगी क्योंकि लिप्स कट करूँगी तो ये पूरा क्या इतना घना नहीं दिखेगा तो इस लिप को मैं छोड़ दूँगी। जो सब लिप्स सब ड्राई हो गए हैं मैं उन सबको कट करूँगी जैसे कि इसके मैक्सिमम लिप्स सब खराब हो चुके हैं। इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ पर मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे तो उसके लिए मेरे पास इतना पॉट नहीं है और अभी मैं सोयल मिक्स भी नहीं बनाऊँगी। और ये वाली वैरायटी देखिए इसमें भी इसकी यानी उतनी अच्छी ग्रो नहीं हो रही ये भी यानी कि बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये इसमें भी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है जैसे ये वाली वैरायटी बहुत स्लोली ग्रो करता है अनुई हो रही थी ठीक गया आ। और ये वाली इसमें देखिए मैंने कितने प्लांट बनाए हैं ये पॉली बैग में है और ये
फैलता ही जा रहा है, जो कि ये वाली वेराइटी ख़त्म ही नहीं होगी, ये फैलता जाएगा। और इसकी फ्लावर देखिए इतनी छोटी छोटी है, सो नहीं हुई हुई बाहर ओंडे होने के रोहे कर कोई सो उनको कहिए मल्टीप्लाई कर कोई तो उनको कोई जड़ियाँ हुई है अपना को। और नूनी वेराइटी हूँ इसमें भी देखिए, ये सब इसके बर्ड से यहाँ से फ्लावरिंग करेंगे। सो बाहर आको सो क्लीनिंग इनको कदम हुई चबा कर को इन सबको मैंने क्लीन कर चुकी हूँ। सो गुड़ाई करके इनको खाद दूंगी। सो खाद में इनको ज़्यादा हेवी फर्टिलाइजर या तो कुछ नहीं दूंगी, इनको सिर्फ नॉर्मल यानी कि कम खाद वाला दूंगी, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट में दूंगी और थोड़ा सा नीम खली। सो इतना ही चाहिए और उनको और ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। सो आज मैं इनको बर्मी कंपोस्ट और नीम खली ही दूंगी, और उसके या तो 30 दिन या तो 15 दिन मिनिमम 30 या 40 दिन के बाद मैं इनको एनपीके का स्प्रे करूँगी। सो नैने जिनिस के ना करावा सो क्लीनिंग है मैडम नए बर्मी कंपोस्ट और इसमें देखिए मैं नीम खली ऐड कर रही हूँ। सो जितने नीम खली एम का करें सो मेरे पास थोड़ा सा था तो सब मैं मिला रही हूँ। सो मैं एक साथ में ज़्यादा बनाई हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट है और अभी मैं इनको दूंगी, फिर जो मिट्टी बनाऊंगी उसमें भी ऐड करना है, तो इसलिए मैंने एक साथ बना लिया है। सो आप गोबर की खाद मत दीजिए इसमें क्योंकि मैं कभी ऐड नहीं की हूँ इंडोर प्लांट में गोबर की खाद। अगर आप ऐड की हो तो आप एम दारे आप यदि एम बड़ा का आप चला चे इन बी एम बड़ा का सो नुकू को बिल्कुल गे इन गुरी खुद बमका सोना तो बमे सो ना बर्मी कंपोस्ट और ये नीम खली गे एमकनी। सो नुकू साइड साइड हसा साइड नोगा तपे एमको बर्मी कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ना कम ढेर रो चेनो बाय चिका सो चे खेती बांग दारे चेर हार बाय हामा और केमिकल जो एम आप सो केमिकल अगर देते हैं वो यानी ज़्यादा हो जाने से प्लांट के लिए ख़राब होता है, तो बर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने से भी प्लांट ख़राब नहीं होगा वो चल जाएगा। सो इसमें सिर्फ बर्मी कंपोस्ट और नीम खली है और कुछ नहीं है। सो सभी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। तो जितने दारे रही फर्टिलाइजर एम हुई किट की हुई सो सभी मैंने फर्टिलाइजर दे चुकी हूँ और अब इनको सिर्फ पानी डालना है। सो दादू लग कोई ना आज जहाँ चलकर नुकू को नहीं तो इनको लग रखना कहाँ है आपको, इनको मिनिमम सुबह की ब्राइट लाइट मिले उसी इसी जगह में ही रखना है। इसको पूरा इंडोर मत रखिए या पूरा यानी कि दिन भर की धूप में भी मत रखिए। सो नोने के जस्ट किसी घड़ी के आगे ब्राइट लाइट दरकार पर सनलाइट तो चाहिए ही, तो मॉर्निंग की धूप मिले तो बहुत अच्छा है इनके लिए। सो नुकू को नहीं तो दादू लग कोई सो गोलू कोई नामकाय उड़ी कमी सेना सो गोलू कोई ना नहीं तो दादू लग कोई। सो पानी डालना मत भूलिए, जब भी आप खाद देते हैं तो पानी दीजिए। सो नानी के जितने के दादू लग आर दो का कोई ना आको जहाँ तहें कना को और पूरा उमा में ना। सो जब भी पानी दे पूरा सफिशेंट प्लांट को दीजिए, जो भी डस्ट रहेगा इनके लिप्स के ऊपर वो सब धुल जाएगा। सुनो ये पे नहीं तो जहाँ तीन आगे डस्ट था है कितना जितने सफा है ना सब क्लीनिंग हो गया है। देखिए इसके लिप्स कितनी अच्छी अब शाइनिंग है। सुनो इन्हें हूँ इधर आगे आप सलाह शेयर आता है कना और इन ब्लॉग जो खुशी करना पे तो लाइक पे शेयर पे सब्सक्राइब पे और को जो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब अलग पे सब्सक्राइब रखा पे जोहार।